हेलो गाइस, वेलकम टू आरके ब्लॉग। ड्राइविंग स्कूल के बारे में है तो हिमाचल की जो ड्राइविंग स्कूल है बहुत ही अच्छी स्कूल है। यहाँ पे जो ड्राइव सीखना चाहता है वो यहाँ पे आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पे इसका फीस 4,000 रुपये है और ये टाइम देते हैं टोटल 21 दिन। तो फिर 4,000 में ये 21 दिन सिखाते हैं और फिर हमको टाइम ये डिसाइड करते हैं, हम चाहे तो मॉर्निंग का टाइम ले सकते हैं या इवनिंग का टाइम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 7 बजे मॉर्निंग का टाइम ली हूँ क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ही मुझे टाइम मिला कि इस टाइम पे खाली है, तो मैं मॉर्निंग का टाइम ही ली। और मॉर्निंग का टाइम बेस्ट रहता है, हम सारे टेंशन से फ्री रहते हैं, सुबह उठ के हम तैयार होकर अपना जाके ड्राइव आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए मैं मॉर्निंग का टाइम ली। बहुत ही अच्छा ड्राइव सिखाया जाता है यहाँ पे हिमाचल के स्कूल में। तो ड्राइविंग सीखने के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूँगी, आप ज़रूर ज़रूरत होगा तो निकाल कर सीख लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे साथ जाते हैं मेरे छोटे वाले देवर जो अभी तक तैयार हो रहे हैं, मिंटू जी। तो हेलो तो ये मेरे को लेके जाते हैं ड्राइव सिखाने के लिए, तो अभी साथ चल रहे हैं, तैयार हो गए। तो फिर हम लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं चौक, अब चौक से हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा एक सी बहाने मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना दूर हमें जाना पड़ता है। हमें घर से जिस जगह पे हमको ड्राइविंग नहीं सिखाया जाता है वहाँ तक जाने में हमें कुल मिला के 7 मिनट लगता है। हम टाइम देख के निकलते हैं और थोड़ा फास्ट चलते हैं, विंटेज बहुत फास्ट चलते थे, मैं उनका पीछे चलती रहती हूँ। तो अभी हम चुनौती चौक पहुंचने वाले हैं जहां से हम ड्राइविंग सीखते हैं। भागे जा रहे, लेट हो गई हूँ मैं फिर भी आप सभी के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो हम पहुंच गए हैं कहाँ, चुनौती चौक पर। हाँ, तो मिंटू जी बहुत सपोर्टिंग देवर है, ऐसे देवर सबके लिए चौक है। तो ये देखिए, इधर से हमारे सर आएंगे अभी गाड़ी लेकर और फिर हम इस रास्ते से इधर की तरफ आगे की तरफ जाते हैं ड्राइव करने, फिर रिटर्न आते हैं। ये हमारी ड्राइविंग कार आ गई, यहाँ हमारे ड्राइविंग सर हैं, ये हमारा ड्राइविंग स्कूल है, यहाँ से हम सीखेंगे। ये हमारे ड्राइविंग सर हैं जो हमको ड्राइव सिखाते हैं, बहुत ज्यादा डांटते हैं, आप उनसे सीखिएगा पर अच्छा सिखाएंगे, डांट डांट। हैंड ब्रेक कर दिया नीचे, ऊपर उठा के चलो, देखो पीछे मेन रोड में आ जाओ, लेफ्ट प्लस दबाव डाला, दूसरा गियर और ब्रेक मारो, देखो नहीं है, चलो फिर क्लच छोड़ो, पूरा छोड़ दो ऊपर रेस पे, चलो रेस पे, दो दो एक्सीलेटर दो, बढ़ाओ एक्स्ट्रा ये दूसरे गियर के लिए और बढ़ाओ, प्लस दबा के गियर चेंज, छोड़ 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 छोड़, चलो लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ये यहाँ से चलो रेस दो, अपनी साइड क्यों छोड़ रहे हैं, खुद की गाड़ी ढूंढो ना कहाँ चल रही, चलो रेस दो, मोड़ उधर देखना, इधर 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 बैठ हो, बस
नजर दो। चलो पहुंचो तो सही वहां तक, हमारे पास क्लच ब्रेक है रोकने के लिए, स्पीड कम करो पहले, अब दबाओ क्लच को पूरा ब्रेक, थोड़ा क्लच और करो लूज। हाँ चलो पूरा छोड़ के चलो, दूर देखो कितनी है, 20 की स्पीड है, धीरे धीरे चल रहे हैं, उसके नजदीक पहुंचो तब जाके ब्रेक मारो। अच्छा, पहले थोड़ी रोक देंगे कि वहाँ रोड और बीच में डाल देंगे चार पांच गाड़ियों का गैप, वो तो देखो कितनी दूर है वो। ओके आ जाओ लेफ्ट, दूसरा गेट डालेंगे, दूर देखो रेस दो। चलो रुकना भी है तो रोड से थोड़ा बाहर निकाल लो गाड़ी को, ताकि पीछे वाले को थोड़ा सोचने का मौका मिले, स्पीड कम, पीछे देखो घुमाओ स्टीयरिंग, मोड़ दो खाली रोड है पूरा, बिना क्लच के नहीं दबाऊंगी। कब दबाएंगे, जब गियर खींच देंगे, अभी तो वही किया, ध्यान से नहीं जाता, यही होती जल्दबाजी, आगे देखो सामने, इंडिकेटर करो नीचे, प्लस दबा दो नीचे पूरा, ब्रेक मारो हल्की सी, दूसरा ले छोड़ के, हाँ चलो तो रेस दो थोड़ी थोड़ी, दूर देखो काटो राइट, सीधा करो, सीधा वहां रोकनी गाड़ी साइड में, इंडिकेटर करो नीचे पूरा, प्लस दबा दो पूरा नीचे, ब्रेक मारो, रोको रोको, बंद करो स्विच ऑफ, बहुत डरते हमारे सर भाई, ऐसे अच्छा सिखाते हैं, सीखेंगे। तो फाइनली मैं 95% सीख ली हूँ, नहीं मिट्टू मिट्टू जी बताएंगे, ये मेरे साथ हमेशा आते, कितने परसेंट सीख ली होगी, 80% सीख चुकी हैं भाभी, अरे बाकी अभी सीखना बाकी है, 20% मिंटू जी बोले हैं कि जब मेरा ये दो दिन लास्ट है तो ये दो दिन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद बाकी के 20% हमारे जनाब सिखाएंगे हमको, जैसे कि बैग गियर वगैरह तो सिखा लिए हैं, सीखना पड़ता है, कोशिश तो हम करेंगे, पर इनको खुद ही सीखना पड़ेगा, वो तो है, इतना दिमाग में आता जल्दी, वो तो बिल्कुल सही है। तो फाइनली मुझे बहुत दिन से मन था कि मैं ड्राइव सीखूं, और मैं जब से शादी होकर आया थी ना, 4 साल हो गए मुझे, किसी कारणवश नहीं सीख पा रही थी, फिर टुक टुक थी, टुक टुक के बाद कई काम कई जिम्मेदारी रही जिसकी वजह से नहीं सीख पाई, फाइनली मिंटू जी बात किए और फिर मुझे ड्राइव सीखने के लिए बोले कि आप सीख लीजिए, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इतना चला ले रही हूँ,
शुरू दिन तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं चला पाऊंगी, लेकिन डायरेक्ट वो बैठा दिए ड्राइविंग सीट में कि आप चलाओ, क्योंकि उनको रिक्स लेने रहता, क्योंकि क्लच और ब्रेक उनके पास रहता है, बाकी चीज हम मेंटेन करते हैं शुरू दिन, बाकी धीमे धीमे वो छोड़ते जाते हैं। बहुत ही अच्छा ड्राइव सिखाते हैं, ड्राइव बहुत ही अच्छा सिखाते हैं वो, हमेशा दो तीन चीज को बोलते हैं, आगे देखो आगे देखो आगे देखो, यानी आगे देखने का। मिंटू जी क्यों बोलते हैं सर ऐसा, बोलिए बोलिए। पर्पस है कि कहीं आँख इधर उधर न जाए, कि गाड़ी भी इधर उधर चल जाएगा, जिधर आँख रहता है ना उधर ही गाड़ी जाता है, ये इसका रीजन है। इसीलिए हमारे सर बोलते हैं आगे देखो लाइन को देखो, और जैसे ही मोड़ रहता है ना तो बोलते स्लो करो आगे बढ़ो, ब्रेक दबाने के लिए बोलते हैं और ब्रेक दबा के हमको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। बहुत ही अच्छा सिखाते हैं। तो कई बार हम थक जाते हैं रास्ते में और ऐसे ही बैठ जाते हैं बेंच में, तो अभी हम रेस्ट करने बैठ गए हैं, और रेस्ट करने जब बैठते हैं तो मोबाइल हाथ में लेकर मिंटू जी ऐसे ही थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं अपने मोबाइल के साथ। टाइम तो यही वेस्ट करते हैं। और मम्मी बोलती तो लेट कैसे हुए, तो हम बोलते हैं थक गए थे तो बैठ गए थे। ऐसे शिमला में अगर चलना है तो बैठ बैठ के ही चलना पड़ता है। तो अब हम घर की तरफ चलने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं, हम रेस्ट कर लिए थे थोड़ा सा। अगर आप कुछ नया सीखते हैं ना तो उसका उसकी खुशी मैं नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा होता है उसकी एक्साइटमेंट जो होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। लगता है कि हाँ अगर हमको टाइम दिया रहता है 7 बजे तो हम 6 बजे उठ जाते हैं। फाइनली हम घर के पास पहुँच चुके हैं, ये हमारी कार है, हमारी लाली है। बहुत जल्दी मैं इसे ड्राइव करूँगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं सीख गई फाइनली। मुझे बहुत शौक था सीखने के लिए। अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहिए, जो आपका शौक है उसे जरूर पूरा करने की कोशिश कीजिए, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा ही बढ़ाइए, पर जरूर अपने लाइफ में कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। तो मिंटू जी कब शुरुआत करेंगे अभी वाली कार में हमारी, हाँ कब करेंगे? दो दिन के बाद आज नहीं, ये ना ऐसे ही कहते हैं दो दिन बाद। हम घर आ गए हैं और घर में अभी सभी कोई सोए हुए हैं, तो अभी मैं सबसे आपको मिलवाती हूँ। ये आपका पेपर, अभी तक आप सो रहे थे? सोया थोड़ा था, पढ़ रहा। पेपर का पढ़ रहे थे जी? पेपर तो मैं दी, हाँ मोबाइल पढ़ रहे थे, पेपर तो मैं पकड़ाई। तो ये मोबाइल चला रहे थे उठ के, थोड़ा सा ही इनको टाइम मिलता है तो ये उसी टाइम पे मोबाइल चलाने लगते, अब पेपर पढ़ने बैठ गए। चाय वाय बनेगा? चाय दूँ? तो फिर फाइनली हम घर आ चुके हैं, चाय का ऑर्डर मिल चुका है, तो अब मैं चली चाय बनाने, और इसी तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेगा। अब मिंटू जी वैसे करेंगे कि आप पूछ सकते हैं, तो अभी मिंटू जी आके फिर से सोएंगे एक घंटे। ये ऐसे ही करते हैं, ये आते हैं और फिर सो जाते हैं, इनको सोना बहुत पसंद है। ये तो बहुत ज्यादा वो करके हिम्मत लेके जाते हैं मेरे साथ, और नहीं तो ये उठने वाले 7 बजे, ये 8 बजे सो के उठते हैं। तो बोलिए टाइम से उठ जाता हूँ मैं। हाँ ये है कि काम रहता है तो उस टाइम पे ये टाइम से उठ जाते हैं, बाकी टाइम पे सोना भी जरूरी है। मैं बहुत लेट सोते हैं, इसी वजह से हम थोड़ा सा दिन में जल्दी उठ नहीं पाते हैं। मैं उठ जाती हूँ 6 बजे, मिंटू जी 8 बजे। मतलब अभी ड्राइविंग सीखने के लिए तब उठ रहे हैं जल्दी, मैं तो उठते लेट है। तो मेरी सासू माँ मुझे नहीं डांटती है जी, वो कहती है आराम से उठो, ठंडी है यहाँ पे, ठंड रहता है एनी टाइम ना, इसीलिए। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको अच्छे अच्छे कमेंट करना तो जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू प्लीज कमेंट।